नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2016 के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चंस जो था एक्चुअली कुछ लोग कम्युनिकेशन के लिए बोलते हैं, लेकिन क्योंकि एंटीना बोल दिया तो कुछ लोग इसको EMT का मानते हैं। सेम कहानी है, काम जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो है आपका कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, जहाँ नॉइज़ टेम्परेचर वगैरह के बारे में बात की गई है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको क्लियरिटी है कम्युनिकेशन के अंदर की जो नॉइज़ टेम्परेचर होता है ये सब क्या होता है, तो अगर आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन सिंपल सा है। एंटीना के अंदर भी कहानी होती है, एक्चुअली काम तो एंटीना पे होता है और एंटीना का एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन के पार्ट को बात पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं वाइट नॉइज़ के बारे में। तो गाउसियन नॉइज़ जिसे बोलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता है इंटरनल नॉइज़, अगर आपने देखा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज़ में हम ब्रेक करते हैं, फिर इस तरह से उनको अलग अलग शॉर्ट नॉइज़ और अलग अलग नॉइज़ के अंदर टाइप उसको डिवाइड करते हैं। और वहाँ पर हम बात करें तो स्पेशली कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे फेमस नॉइज़ लेते हैं वो होती है गाउसियन नॉइज़, और उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि अगर एम्पलीफायर से निकाल रहे हैं या किसी एंटीना से निकाल रहे हैं तो कितना उससे फर्क पड़ेगा, नॉइज़ फिगर है तो कितना फर्क पड़ेगा, नॉइज़ फिगर क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो बहुत सिंपल सा फिर क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको पता है कि नॉइज़ फिगर पहले जो डीबी में रखा है तो उससे हम नॉइज़ फिगर निकाल दें ना। आपको पता होना चाहिए कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है उससे हम कैसे निकाला जाता है। तो जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है पहले तो वो होता है नॉइज़ फिगर F-1 × T0। नॉइज़ फिगर जो होती है F वो है 10^0.2, तो उसको आप रखें और F-1 × T0 से करें मल्टीप्लाई। T0 होता है एम्बियंस टेम्परेचर, जो कि अगर ना भी दे तो भी 290 केल्विन होता है, जबकि यहाँ दिया हुआ भी 290 केल्विन, तो ये 290 केल्विन है। 10^0.2 − 1 × 290 करें तो ये आपका इफेक्टिव टेम्परेचर आता है। तो ये एक तो सर क्वेश्चन पूछा था कि इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है, तो ये है 169.36 केल्विन। नाउ अब हमसे ये भी पूछा था कि इसके अंदर आउटपुट पे नॉइज़ पावर कितनी आ रही है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो नॉइज़ पावर होती है वो क्या होती है, तो वो होता है इसका फॉर्मूला होता है KTe × B। K क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। TE क्या है, टी ए ओवरऑल इफेक्टिव टेम्परेचर, मतलब एम्बियंस का सराउंडिंग का तो इफेक्टिव टेम्परेचर, साथ ही साथ जितने भी सिस्टम है उनका जो टेम्परेचर है उनको यूज में लेके आप इफेक्टिव टोटल ओवरऑल टेम्परेचर बनाते हैं। और बी क्या है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इसने दी है इस क्वेश्चन के अंदर 12 MHz, तो वो अपने दे रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इफेक्ट टेम्परेचर है वो 169.6, तो हमारा निकल के आया था यहाँ से 169.36, तो ये 169.36 है। साथ ही साथ सिस्टम का टेम्परेचर ने 50 केल्विन और देख रखा है, उसको भी शामिल करना है आपको। और यहाँ पर जो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो होता है 1.38 × 10^-23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनपुट साइड के अंदर आपको पावर मिल जाएगी। ये है फॉर्मूला पावर का, ये टोटल ओवरऑल पावर आती है आपके पास। तो ये आपके पास ओवरऑल पावर जो आई वो इनपुट साइड पर आई, इसको आप गेन से और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसने बोला कि मैं एक सिस्टम से निकाल रहा हूँ, इसका गेन इतना है। तो ये इनपुट पे पावर आई नॉइज़ पावर, इसको गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट पे नॉइज़ पावर मिल जाएगी। तो ये जो इनपुट पे नॉइज़ पावर है, इनपुट नॉइज़ पावर का फॉर्मूला था ये। ये अगर आपको KTe भी पता है तो बस ये जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मिलता है इनपुट साइड में नॉइज़ पावर, इसको गेन से और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है आउटपुट साइड के अंदर नॉइज़ पावर। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आएगा। नाम सिर्फ एंटीना का है, बाकी मेन जो कहानी है ये टेम्परेचर की है। जो KTe फॉर्मूला आ रहा है इफेक्टिव टेम्परेचर F-1 × T0 नॉइज़ फिगर, ये सब कम्युनिकेशन की कहानी। कम्युनिकेशन के अंदर आप उसको नॉइज़ फिगर को अच्छे से पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप एक बार वापस अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन इतना टफ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.